तो इसमें देखिए, मैं यही कह रहा था आपसे कि ये जो आज आपके पास नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आया है कि आप एक आज़ाद देश में रहते हैं, ये पहले नहीं होता था। आप इसमें पूरा पढ़कर आ रहे हैं, नेशनलिज्म यूरोप से आप समझ के आ रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमें एक आइडिया मिला, पूरी दुनिया को एक आइडिया मिला कि आज़ादी वो हर एक इंसान का अधिकार है, वो एक हर जाति में पैदा होने वाले, हर धर्म में पैदा होने वाले इंसान का अधिकार है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहता हूँ अपने स्टूडेंट से कि आपने जो अभी आज आँख खोली है, आपके पास हजारों हजार वो चीज़ें आपको आज मिली हैं जो पिछले लोगों ने कुर्बानियाँ दे के, अपनी जान दे के, है ना, दी हैं उन चीज़ों के लिए, आज वो फायदा आप उठा रहे हैं। तो अगर आप इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ नहीं करते तो आप एक प्योर भिखारी हैं, आप एक बिल्कुल, मतलब एक बिल्कुल पक्के भिखारी हैं आप। क्यों? क्योंकि आपने पीछे वाले लोगों से, हमारे पीछे समाज से आपने बहुत सारी चीज़, है ना, हेरिडिटी में ले ली, इनहेरिटेंस है वो आपके पास कि आपको मिल गई, लेकिन आज भी समाज को आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, उसको आप कुछ नहीं दे रहे हैं। तो आप ले तो रहे हैं बहुत सारी चीज़ें पीछे से, जिसमें लोग अपनी जान दे रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी नाक जो है खुद हिंदुस्तान का आप स्ट्रगल पढ़े कि सड़कों पर रगड़ रहे हैं, है ना, किस तरह का जो है कुर्बानियां वो दे रहे हैं, है ना, अपनी जॉब्स की, अपने काम की, कारोबार की, तब आपको आज ये आज़ादी मिल रही है, इतनी सारी बनी बनाई चीज़ें मिल रही हैं। तो आपने सारी चीज़ें ले तो ली, लेकिन अगर आप समाज को कुछ नहीं दे रहे तो भाई आप सिर्फ लेने वाले तो हो ना, आप क्या है, सिर्फ टेकर हैं, है ना, यानी सिर्फ ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें समाज से ली हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, आप काम कर पा रहे हैं, कारोबार कर पा रहे हैं, भैया अब इस समाज को कुछ दे भी, है ना, सिर्फ लेने वाले ना बने, ये बात है, बात समझ आएगी बस।